हेलो दोस्तों, मैं विशु कुकर और आपका स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। आज आप मेरे ये खड़ा देख रहे होंगे ट्रैक्टर। जी हाँ, आज ट्रैक्टर पर भी वीडियो आएगी। और ट्रैक्टर पर वीडियो कैसी आएगी? ये है हमारा HMT ट्रैक्टर, ये HMT 4022। और HMT ट्रैक्टर की एक खास बात होती थी कि इसके बोनेट के एक साइड तो मिलता था HMT हिंदी में लिखा हुआ और एक साइड मिलता था इंग्लिश में। यहाँ पर देखिए लिखा है HMT 4022, ये HMT इंग्लिश में, और इधर मिलता है ये हिंदी में HMT। और दोस्तों, ये मॉडल होने वाला है हमारा 4022, HMT 4022। जैसे महिंद्रा में 475, स्वराज में 855, 724, तो HMT में ये 4022 है मॉडल नेम और ट्रैक्टर HMT। और दोस्तों, यहाँ पे इसका स्टिकर लगा है यहाँ पर क्रॉप किंग का। और दोस्तों, ट्रैक्टर के इंजन की बात करें किसमें कितने सिलेंडर मिलते हैं, तो दोस्तों सिलेंडर मिलते हैं इसमें 3 इंजन में। और यहाँ पे इसका ये पंप दोस्तों, ये कुछ इसका यहाँ पे इंजन आप देख सकते हैं। और ये मिलते हैं इसकी टायर, इसकी स्टेयरिंग की रोड यहाँ पे। और इसमें नीचे को सिस्टम मिलता है इसकी रोड का, ये नीचे को बहुत में मतलब यहाँ पर मिलता है, इसमें बहुत नीचे जाकर मिलता है ये। और दोस्तों देखते हैं, डबल एक्टिंग रोड मिलती है सिंगल, इसमें दोस्तों सिंगल एक्टिंग रोड मिलती है, यहाँ पे मिलती है इसकी बैटरी ट्रैक्टर की, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये। और दोस्तों यहाँ पे लगा हुआ है इसमें पल्ग, आप देख सकते हैं ये। और बात करें इसके साइलेंसर की, देखिए काफ़ी बड़ा मिलता है इसमें साइलेंसर। और इसके बोनेट को दोस्तों यहाँ पे ये टूट गया क्योंकि मॉडल भी बहुत पुराना हो चुका है, तो भाइयों ने इससे रोक रखा है तार से। दोस्तों ये मिलता है इसमें यहाँ पे एयर क्लीनर, ये आप इस पर ये रोक कर पढ़ सकते हैं ये। और दोस्तों यहाँ पे है इसका रेडिएटर, यहाँ पे गिरता है इसमें वाटर। और इसका दोस्तों रेडिएटर का ढक्कन भी खो गया है दोस्तों। इसकी मतलब इतनी अच्छी हालत नहीं है ट्रैक्टर की, क्योंकि आप देख सकते हैं मडगार्ड वगैरह भी गले हुए हैं इसके। बट दोस्तों ट्रैक्टर बहुत अच्छा है, दमदार। ये 40 से 50 HP कैटेगरी में आता है ट्रैक्टर। और बात करें इसके अगले टायर की, पिछले वही करेंगे बाद में दोस्तों। इसमें मिलते हैं शक्ति लाइप MRF टायर, शक्ति लाइप। और इसके साइज की बात करें दोस्तों, साइज मिलता है ये आप देख सकते हैं। और दोस्तों इधर बात करें, पीछे वाले टायर मिलते हैं इसमें 13, 6, 28 के। गुड़ियर के मिलते हैं टायर, आप देख सकते हैं गुड़ियर के टायर मिलते हैं 13, 6, 28 के। और इसके पीछे जुड़ा है डम्फर, आप देख सकते हैं दोस्तों ये। दोस्तों यहाँ पे इसकी हाइड्रोलिक का, यहाँ पे इसमें डम्फर में जॉइंट है जिससे उठ जाता है, यहाँ पे डम्फर का टूल बॉक्स। दोस्तों यहाँ पे इसकी ये हाइड्रोलिक देखिए, और ट्रैक्टर में ये कितनी मजबूत लगी है इसकी पट्टी, कह लो जैसे ये कितनी मजबूत लगी है ट्रैक्टर में, क्योंकि इनका यही काम होता है। और दोस्तों पीछे एक मडगार्ड की प्रोटेक्शन के लिए। और यहाँ पे मिलती ये वाली तो टूट गई, यहाँ पे एक सीट भी मिलती है इसमें, मिलती थी मतलब पहले। और दोस्तों ये कुछ इसका सीट, इसकी सीट कवर दोस्तों यहाँ पे इसके, ये ऊपर चलकर बताऊंगा आपको। दोस्तों यहाँ पे मिलता है इसका सेल्फ ये, दोस्तों ये इसकी यहाँ पे बेल्ट ट्रैक्टर की, ये इसका डायनमो। और दोस्तों जो थोड़ा बहुत शोर शराबा आएगा तो आप इग्नोर करना, क्योंकि मैं यहाँ पे घर पर वीडियो बना रहा हूँ, वे हमारी हवेली। दोस्तों यहाँ पे मिलती है इसका मेन लुक गोल लाइट, यहाँ पे HMT लिखा हुआ आता है। और दोस्तों यहाँ पे इसकी ग्रिल, और यहाँ पे इसका एक छोटा सा बम्पर, और बम्पर में जॉइंट है की हुक यहाँ पे। और दोस्तों यहाँ पर भी एक ग्रिल मिलती है, ये जाली सी प्लास्टिक की। और दोस्तों इधर दिखाऊंगा आपको ये मडगार्ड, मडगार्ड पर लाइट वगैरह कुछ नहीं है क्योंकि ये टूट रखी है इसकी, क्योंकि ट्रैक्टर चलता है ये रोडी डस्ट में चलता है किराए पे मतलब, तो इसको ऐसा ही है सिस्टम। उप दिखाएंगे इसको ऊपर चढ़कर। तो दोस्तों यहाँ पर आ गया हूँ, ट्रैक्टर पर बैठ गया हूँ, लुक बहुत अच्छी आ रही है। इधर यहाँ पर मिलता है इसका टूल बॉक्स, ये दोस्तों इसका मडगार्ड। दोस्तों हाइड्रोलिक कंट्रोल मैंने दिखा दिए, इधर यहाँ पे मिलती है इसकी पैर वाली रेस ये ऐसे, और यहाँ पे इसके हैंड ब्रेक,
यहाँ पे दोस्तों इसकी बैटरी, और दोस्तों यहाँ पर ये मैन स्टेयरिंग मिलता है इसका। स्टेयरिंग अभी तो बहुत टाइट हो रखा है, बट स्टार्ट होने पर पता चलेगा जब इसको मोड़ेंगे कि हल्का आया कैसा, बट मुझे हल्का लग नहीं रहा इसी कंडीशन से। और यहाँ पर मीटर की बात करते हैं, यहाँ पे अरे HMT में स्वराज का मीटर, बट दोस्तों ये तो वैसे लग जाता है। यहाँ पर तो इसका वोटर का, यहाँ पर फ्यूल का, यहाँ पर RPM का, यहाँ पर हीटिंग का, और यहाँ पर दोस्तों इसका ऑयल का। यहाँ पर मिलते हैं इंडिकेटर का, ये यहाँ पे नॉर्मल लाइटिंग मतलब वैसी इंडिकेटर वगैरह की। और दोस्तों ये इसकी यहाँ पे हैंड वाली रेस, ये यहाँ पे दोस्तों ये बल्ब मिलता है चार्जिंग का। जब चार्जिंग स्टार्ट हो जाएगी मतलब ट्रैक्टर को स्टार्ट करेंगे ये बल जाएगा, जब चार्जिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी तो ये बंद हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों हेडलाइट का, और इधर मिलते हैं इसके फ्यूज, यहाँ पे फ्यूज लगते हैं दोस्तों। और मेन गियर की बात करें दोस्तों, यहाँ पे मिलते हैं इसमें चार गियर, जैसे सबसे इधर करके ये लग गया रिवर्स, यहाँ पे मिल लग गया दोस्तों, यहाँ पे लग गया इसका, रुक जाओ अब बताऊँगा। ये हो गया न्यूट्रल, यहाँ पे लग गया रिवर्स, फिर लग गया इसका पहला गियर, यहाँ पे इसका दूसरा, तीसरा, ये फोकस नहीं कर रहा। और दोस्तों इधर लगकर ये ऐसे चौथा गियर। दोस्तों यहाँ पे मिलता है इसका क्लच, यहाँ पे इसका इसको बंद करने का। और ये दोस्तों ये कंट्रोल मुझे पता नहीं कहीं क्या है, ये तो होगा शायद हाइड्रोलिक का नहीं, इसकी PTO का। और दोस्तों इसका नहीं पता, यहाँ पे फ्यूल चेक करने का इंजन ऑयल। और दोस्तों ये मिलता है इसका यहाँ पे हैंड ब्रेक, और ये मैं ट्रैक्टर की यहाँ से कुछ रुक, बहुत अच्छी दुका रही है ट्रैक्टर की। और दोस्तों चलते हैं नीचे। और दोस्तों इसके फ्यूल कैपेसिटी की बात करें, इसका फ्यूल टैंक मिलता है इसके अंदर, ये कन्फर्म तो मांगू नहीं, बट दोस्तों इसमें मिलता होगा 40 से 50 लीटर के लगभग, क्योंकि बड़ा ट्रैक्टर है ये है हमारा, 40 से 50 HP कैटेगरी का ट्रैक्टर। और यहाँ पर दोस्तों मिलती है इसकी बैटरी, बैटरी तो बहुत से पीछे भी लगवा लेते हैं और आगे भी लगी होती है, बट यहाँ पे सबसे बेस्ट होती है क्योंकि करंट में यहाँ से प्रॉपर मिलता है ऐसे, क्योंकि यहाँ से ये जॉइंट यहीं पर है देखिए यहाँ, और यहाँ से यहाँ तो दोस्तों करंट प्रॉपर मिलता है। जो बैटरी थोड़ी बहुत डाउन भी हो, डिस्चार्ज भी हो, तब भी स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों ये हमारी कुछ थी HMT ट्रैक्टर की वीडियो, ये जुड़ा है इस पर डम्फर। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप दोस्तों कमेंट में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।